ये है कि अगर आपके पास मस्कारा नहीं है अगर आपने कहीं पे जाना है तो आपका मस्कारा खत्म हो गया तो उस टाइम पे आप इंस्टेंट मस्कारा अपना रेडी कर सकते हो तो उसके लिए आपने अपना मस्कारा ब्रश ले लेना है और कोई भी लिक्विड आईलाइनर ब्लैक कलर का ले लेना है और उस लिक्विड आईलाइनर को मस्कारा ब्रश के ऊपर पहले आप अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें देन आप उस ब्रश की हेल्प के साथ अपना इजिली मस्कारा अप्लाई कर सकते हो मेरा नेक्स्ट टिप मस्कारे के रिगार्डिंग ये है कि अगर आपके पास मस्कारा नहीं है तो आप अपना आई शेडो पैलट ले लें उसमें से आप ब्लैक कलर के आई शेडो का भी यूज कर सकते हो अगर आपने कलर्ड मस्कारा अप्लाई करना है तो कोई भी कलर चूज कर लें तो इसमें मैं ब्लू कलर के कलर को चूज करी हूं अपने आई शेडो पैलेट में और देन आपने एक ड्रॉप एलोवेरा जेल की ले लेनी है और उसमें मिक्स कर देना है अपना ये आई शेडो कलर्ड आई शेडो को अच्छी तरह से आप उस एलोवेरा जेल में मिक्स कर लें और फिर आपने अपने मस्कारा का ब्रश ले लेना है और उस मस्कारा ब्रश के ऊपर आपने इस कलर्ड जो मस्कारा आपने रेडी किया है उसको कर देना है इस तरह से अप्लाई कर देना है इसकी हेल्प के साथ आप इंस्टेंटली घर में अपना कलर्ड मस्कारा रेडी कर सकते तो बहुत ईजी मेथड है कलर मस्कारा रेडी करने का तो देन अच्छी तरह से ब्रश के ऊपर स्प्रेड करने के बाद तो आप इस कलर्ड मस्कारे का यूज अपनी आईलैश के ऊपर कर सकते तो ये है मेरा इजी ट्रिक कलर्ड मस्कारा रेडी करने के रिगार्डिंग तो आप इस तरह से कलर मस्कारे का यूज घर में कर सकते हो मेरा नेक्स्ट टिप ये है कि कई बार हमारा मस्कारा एक ही जगह पे लग जाता है काफी थिक लग जाता है हमारी आईलैश के ऊपर उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आपने कोई भी क्लीन मस्कारा ब्रश ले लेना है और उसकी हेल्प के साथ अच्छी तरह से स्प्रेड करना है उस मस्कारे को अपनी पूरी आईलैश के ऊपर इससे जो आपका मस्कारा होगा वो ईजिली स्प्रेड भी हो जाएगा और इवनली आपकी आईलैश के ऊपर लग भी जाएगा तो ये है बेस्ट ट्रिक आपके थिक आई मस्कारे को सेट करने के लिए हमेशा क्लीन ब्रश की हेल्प के साथ फिर से करें सेट सो so ये था मेरा आज का वीडियो तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय बाय